लोगों की भावना को तोड़ने के लिए। सैकड़ों और हजारों हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। औरंगजेब की सड़कें हैं, टीपू सुल्तान, बलात्कारी लोग जिन्होंने नरसंहार करने की कोशिश की, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। काशी में लगभग 100 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति ब्रेल से ज्ञानवापी को देख सकता है। आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक है। यही कारण है कि मैंने कहा कि हिंदू मूक प्राणी, हमारी आवाज में दम नहीं है। लोग कहते हैं कि 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर, क्या इन सभी को फिर से प्राप्त करना संभव? अगर आप उसे सौंप देंगे तो बिरादरी चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कोई आपत्ति है, सिवाय इन नाजायज नेताओं के। इस चुनाव के बाद इन नाजायज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा। भारत जाग रहा है। अविमुक्तेश्वर 2028 तक एक जीवंत वास्तविकता हो जाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की किताब को कैसे देखते हैं और आज के भारत में ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा भारत जिसने 500 सालों के संघर्ष और टकराव के बाद हाल में अयोध्या में रामलला की अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा देखी है और हमारे ढेर सारे आलोचकों, जो मुझे यकीन है कि हमारे पास ढेर सारे हैं, आपके ज्यादा मेरे कम, अलग अलग आकार प्रकार और रंग के, भारत और विदेश में भी। आलोचक नहीं है, गालियां देने वाले हैं। मैं तो बस उदारता दिखा रहा था। वैसे कौन इस तरह के कार्य को बहुसंख्यवादी एजेंडा, हिंदू वर्चस्ववाद, पुनरुत्थानवाद कहेगा? तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं, या फिर क्या इस तरह के काम भारतीयों के रूप में हमारी सभ्यतागत पहचान का केंद्र बिंदु, उसका सार और उसकी नब्ज तक पहुंचने जैसा है? देखिए, एक सफल आक्रमणकारी न सिर्फ किसी की भूमि का हिस्सा हड़पता है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कब्जा करे, मानसिक ढांचे पर या मानसिक भूगोल पर कब्जा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि जो आकर हमें लूटता है वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक कि प्रेरणादायक लगे। आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलात्कार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं उन्होंने लिखा है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की। हमने पीड़ितों की तस्वीर सामने लाने की परवाह नहीं की। कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आए तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए हैं। अगर आप 100 साल का समय देखें तो धरती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार और लूटपाट जो यहां हुई है। लेकिन हमारे अंदर गर्व की बहुत शांत भावना है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ।
हम उसे कहते नहीं, इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं। देखिए, ये जापानियों की तरह है, वो हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करेंगे, वो फुकुशिमा और उसके उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे, वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गर्व की शांत भावना है, जोरदार गर्व नहीं। जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है। हम इस पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जिसे आक्रामक तरीके से ले लिया गया उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की, कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में 300-400 सालों तक चल रही हो? यही है भारत। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन न्याय मिलेगा, और किस्मत से न्याय मिल गया है।